प्राइवेट अस्पतालों में इलाज में लापरवाही बरतने के अक्सर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इस बार रेवाड़ी के इस अस्पताल पर आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते कुत्तों ने एक व्यक्ति के शव को नोच लिया। परिजनों का आरोप है कि सुबह उन्होंने देखा तो अस्पताल के बेसमेंट में कुत्ते शव को नोच रहे थे। जब उन्होंने अस्पताल स्टाफ से इस बारे में कहा तो उल्टा उन्हें ही धमकाया गया। इस मामले में डॉक्टर ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप मृतक के परिजनों ने क्या आरोप लगाए हैं वो सुनिए। हाँ जी, मेरा नाम बाल मुकंद है और मैं तावड़ू वार्ड नंबर 1 शैनीपुरा का रहने वाला हूँ। कल सुबह करीब 9:50 पे मेरे भाई का लाला राम का तावड़ू बिलासपुर रोड पर एक्सीडेंट हो गया था एक ट्रक से, तो हम तुरंत उसको नज़दीकी सी उसमें हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ से फर्स्ट एड कराई। उन्होंने कहा कि आप इसको किसी न्यूरो सर्जन को दिखाओ, इसको ज़्यादा चोटें हैं। तो हम तुरंत इसको आदित्य हॉस्पिटल रेवाड़ी में लेके आए, तो डॉक्टर ने सारे चेकअप करने के बाद हमको बताया कि आपके मरीज में 70% चांस उम्मीद है बचने की और हम बचा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी फीस सर्जरी की 1,00,000 रुपए है, वो जमा करवाओ। हमने तुरंत 1,00,000 रुपए जमा करवाए और टेस्ट के रुपए जमा करवा दिए और डॉक्टर ने सर्जरी चालू कर दी। सर्जरी चालू करने के बाद करीब शाम को 7 बजे उन्होंने बताया कि आपके डॉक्टर मरीज की हालत ख़राब है और केवल 1-2% चांस है बचने के। तो फिर थोड़ी देर बाद करीब 7:30 बजे डॉक्टर तो चले गए थे पहले ही, फिर उसके स्टाफ ने बताया कि आपका जो मरीज है वह एक्सपायर हो गया है और डेड बॉडी को हम सुबह देंगे आपको। तो हम उन्होंने डेड बॉडी बेसमेंट में रख ली अपने, तो हम अपने इधर उधर बैठ गए सो गए। तो हमने सुबह करीब 6 बजे आकर देखा तो 2 कुत्ते, एक लाल रंग का सा था और एक सफ़ेद रंग का सा, एक तो नीचे था और एक ऊपर उसकी पट्टी को छेड़ रहा था मरीज के सिर की को। तो हमने उनको भगाया और जो वहाँ का हॉस्पिटल का स्टाफ है उसको बताया कि ये तुम्हारी क्या लापरवाही है। तो उल्टा वो हमसे ही बदतमीजी करने लगे कि यहाँ कोई कुत्ता नहीं था, और यहाँ मैंने कहा जी कुत्ता नहीं था तो वो तो भाग गए, ये कुत्तों के निशान रहे पंजों के, ये भी नहीं देख रहे। उन्होंने कहा कि नहीं तुम ऐसे ही कर रहे हो, यहाँ कोई कुत्ता उत्ता नहीं था। तो उसके बाद पुलिस आ गई, तो पुलिस वाले ने आके देखा, उन्होंने भी उसकी वीडियो बनाई, उन्होंने भी देखा हाँ कुत्तों के निशान हैं। तो उसके बाद हमने जब कुत्ते तो भाग लिए, फिर हमने तुरंत फिर उसकी जो पंजों की थी उसकी वीडियो बनाई, फिर जब कुत्ते बाहर आ गए फिर मैं उसके बाद कुत्ते की भी वीडियो बनाई जो आके बाहर बैठ गया था हॉस्पिटल के बाहर। सुबह 6 बजे के आसपास हम जैसे ही सो के उठे थे तो नीचे हमने जाके देखा कि वह डेड बॉडी को देख लेते कैसी हालत है, कैसे क्या है, ठीक है। हमने जाके देखा तो वो जो मोर्चरी बोल रहे हैं जिसको गैलरी में एक स्ट्रेचर पर वो डेड बॉडी को रखा गया था, और 2 कुत्ते वहाँ लगे हुए थे, एक कुत्ता नीचे था और एक डेड बॉडी के ऊपर चढ़ा हुआ था, और उसने बैंडेज वगैरह भी हटाई हुई थी, काफ़ी सारा ब्लड भी निकला हुआ है वहाँ जाके। तो हमने फिर इनको ऊपर आके बोला कि यार ये डेड बॉडी के पास कुत्ते घूम रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि यार आप ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को ही। तो हमारे अंडर जब देंगे वैसे तो हमें ये जाने नहीं देते, फिर हमारे ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हैं कि आपको ही ध्यान रखना चाहिए। कुछ कोई गेट ही नहीं है, सिर्फ बेसमेंट में जाइए आप, वहाँ सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, ऐसा कुछ कोई गेट नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है वहाँ पे। अभी पुलिस को अभी देखे दी है शिकायत 10 मिनट पहले, अभी देखो क्या कार्रवाई करती है पुलिस का। अभी डॉक्टर क्या कह रहे नहीं, डॉक्टर से हम नहीं मिले हैं सर। स्टाफ से बातचीत हुई? नहीं, सुबह ही हुई थी वो स्टाफ से ही हमारी बातचीत। स्टाफ ने तो बस हमारे ऊपर ही वो ब्लेम डाल दिया कि आपको ध्यान रखना चाहिए था, बाकी ऐसा कुछ ये ऐसा कुछ नहीं जी। इसलिए रिलेटिव ने खुद कुत्ता के अंदर भगा दिया था, फिर वो कहीं डेड बॉडी के सामने खड़ा रहती थी, उसको वीडियो कर लिया और हमारा स्टाफ के साथ मार पिटाई किया, फिर उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए अभी हमारा स्टाफ FIR दर्ज कर रहे हैं।
सिटी थाना में इनके खिलाफ। क्या पूरा मामला था, कैसे इन्वॉल्व हुए? मामला कुछ नहीं जी, इनका सीवियर चोट लगी ऑलरेडी, दिमाग में काफी चोट था, डेंजरस टू लाइफ एमएलआर पर्चा ऑलरेडी हमने दर्ज कर दिया कल, और ये पेशेंट बचने की उम्मीद नहीं था, रिलेटिव भी जानता था। सो कल दोपहर में इनको ऑपरेशन हो गया, फिर ऑपरेशन के बाद 2-3 घंटे के बाद फिर हार्ट बंद हुआ, फिर हमने रेसस्टेट करा, वापस आ गया था, फिर रात में जाकर फिर इसमें एक्सपायर हो गया। तभी तो हम रिलेटिव से समझाते हैं, तब तो रिलेटिव से कह रहा था आप जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर लो। बेसमेंट में डेड बॉडी रखी थी? हाँ, बेसमेंट में वो मॉर्चरी है, बेसमेंट में हमारा मॉर्चरी उतनी डेड बॉडी रखता, क्योंकि पुलिस का कल रात में हमने इन्फॉर्म किया था, बट पुलिस यूजली सुबह आकर ले जाती है, तब तक हम सेफली रखता है डेड बॉडी को। कुत्ते नोच रहे थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया ना, ऐसा कुछ नहीं है। कुत्ता जैसे देखने को मिला है कि कुत्ते के जो निशान है खून भी पड़ा हुआ है नीचे, खून के भी जो है जगह जगह वो गिरे हुए हैं। नहीं, वो आई थिंक जब शिफ्ट करते समय बेडशीट से कुछ गिरा होगा जी, बाकी कुत्ता तो उधर कुछ नहीं करता। अच्छा, परिजनों का ये भी आरोप है कि जब हमने इनसे पूछा कि कैसे, तो उन्होंने ही हमारे साथ मारपीट की। ना 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 जी, आप क्लियर वीडियो एविडेंस है, आपको इसमें पता चलेगा कौन क्या किया। हमारा स्टाफ तो बहुत सॉफ्टली बात किया था, इलाज में भी लापरवाही का आरोप लगा रहे। ना ना ना, वो तो कुछ भी लगाएंगे, अभी तो उनको तो पेमेंट नहीं देनी है, पंगा करनी है हॉस्पिटल में, ऑलरेडी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, फिर तो पंगा तो करनी है उनका, आरोप लगाएंगे।